हेलो दोस्तों, वेलकम एक होर अपने पंजाबी दे पाठ दे विच लैक्चर नंबर 29। ठीक है, जिवें थोनू हुण पता है, नवें बच्चे नहीं पता तो मैं दस दिना कि 3 डेज़ अपनी पंजाबी दी क्लास लगती है 7 बजे शाम नू। ठीक है, तो 3 डेज़ लगती है SST दी। इन्दे नाल की है, दोनों सब्जेक्ट क्लीयर हो जाते हैं, नाले जिहड़ा कह लो तुसी बोर नहीं हुंदे रोज़ एक सब्जेक्ट करके, तो नाल अपना सिलेबस भी जल्दी तो जल्दी कवर हो जूगा। ठीक है, तो हुण आपां शुरू इहदे विच अज की करांगे, शब्द रचना वर्ड फॉरमेशन। एक ये की है कि थोनू जिहड़ा पढ़न दे विच ते देखन दे विच ये लगू कि आसान है बिल्कुल टॉपिक, तो ये आसान टॉपिक थोनू इन्ना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर सकता है, मैं थोनू अग्गे दसूँगा। तो एक नाल इन्दे जो आप MCQ का टैसट लवेंगे 30 MCQ का, जिवें थोनू पता है कि आप टॉपिक तो बाद 30 MCQ का टैसट लईदा, तो उदों जदों तुसी आंसर दोगे उदों थोनू पता लगेगा कि जिहड़ी शब्द रचना वह किन्नी ज़्यादा औखी हो सकती है। तो अज दे आपां कंसैप्ट दे विच की करांगे, सिर्फ समझना कि इहनू किवें आपां अटैम्प्ट करना, जे सम आ जाए विच सम आ जाए या अपना कह लो कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इहनू किवें अटैम्प्ट करना, किस हिसाब नाल तुसी रीड आउट करना क्वेश्चन, तो उहदा आंसर लभना, आपां सारियां चीज़ां डिस्कशन करांगे विच अज दी वीडियो च। तां ध्यान नाल प्लीज़ ध्यान नाल सुन लिओ, जे किसी ने राइट करना है तो दोबारा वीडियो देख के राइट कर लियो, पर ए वीडियो च ध्यान नाल तुसी ध्यान नाल फोकस ला के सुन लियो। टाइप्स वगैरह पूरा सारे एग्जाम्पलां भी दित्तियां हुई हैं, किवें किवें तुसी पहचानना इहनू, हर एक चीज़ बारे गल कीती आपां। तां आपां शुरू करदे हां, देखो वख वख नियमां अनुसार किसी एक शब्द तो होर शब्दां दी रचना करन नू की कहिंदे आ, शब्द रचना। जदों आपां नियम थोड़ा आपां अगे गल करांगे, पर एक चीज़ ध्यान च रखियो कि जिहड़े वक्रे वक्रे नियमां नाल जदों की है एक शब्द तो होर शब्द बनाए जांदे आ उहनू की कहिंदे आ, शब्दां दी रचना होनी, शब्दां दी रचना करना, शब्द रचना कुछ भी कहिंदे आ। ठीक है, जिहड़ी एक होर थोड़ी चीज़ दस दिंदा, जिहड़ा जोड़नी जिहनू आपां हाइफन जां माइनस दा निशान कह दिंदे आ, इह इन्नी वड्डी भूमिका निभांदा पंजाबी दे विच, इह थोनू अगे जाके एंड ते पता लगेगा किवें। ठीक है, तां इहनू नॉर्मली ना लिओ कि इहदा वैसे ही लाया होया। चलो नैक्सट चलते हैं, अपन इन्हां नियमां राहीं ही शब्दों की बनतर का पता लगता, शब्दों की बनतर का किवें पता लगता, बनतर केड़ी केड़ी हुंदी है, आप हर एक चीज़ बारे डिस्कशन करते हैं आप इसे टॉपिक दे विच। बनतर के आधार पर शब्दों को किन्ने प्रकार दे विच वंडिया गया, दो केड़े केड़े मूल शब्द या धातु शब्द, दोवां चों जिहड़ा भी आ जाए वह की हुंदा अपना सेम। ठीक है, तुहानूं मैं आराम नाल ते सौखे वे नाल समझाऊंगा, ठीक, ते पर ध्यान नाल तुसीं की करना सिर्फ सुनना। नेक्स्ट है रचित शब्द अपने होंगे है, ये भी आप अगे करते हैं किहड़े होंगे है, हर एक चीज़ की डेफिनेशन मैं लिखी हुई है कि थोड़ा आसानी होवे। मूल शब्द बारे गल करांगे, धातु शब्द बारे पहला, जिहड़े शब्द किसी दूसरे शब्द की सहायता तो बिना बने होन उन्हां नूं कहिंदे आ मूल शब्द या धातु शब्द। इहदे विच दो MCQ बन जाणगे, जिहड़े शब्द बिना किसी शब्द की सहायता नाल बनदे उहनूं की कहिंदे आ, मूल शब्द। ठीक है, तो थले आप लिख सकते हैं, उस बाद MCQ बन सकता है, धातु शब्द किहड़े होंदे आ, थले अपने कोल ऑप्शन आजूगी कि जिहड़े बिना किसी शब्द की सहायता तो बने होण, ये दो MCQ बन सकते हैं, भलां दी जिहड़ा मर्जी पूछा जाए तुसीं आंसर राइट करके आना है। नैक्सट अपने कोल जिवें एग्जाम्पलां भी दित्तियां हुई हैं, घर पुत्र दुनिया, मतलब इत्थे गल कीती गई है दूसरे शब्द तो अंगेतर पिछेत्र की, वो आप अगे गल करांगे। ठीक है, जिहड़े अंगेतर पिछेत्र तो बिना बने होंदे आ, सीधा बस ये हिसाब ला लो, बच्चा हो गया, शहर हो गया, मूल शब्दों अगे तोड़िया नहीं जा सकता, ये सब तो मेन पॉइंट है इहदा, जिहड़ा थोनू पेपर दे विच पूरे चांसिज है कि पूछा जाऊगा, ये पूछा जाऊगा कि किहड़े शब्दों नूं अग्गे तोड़िया नहीं जा सकता, तो उहदे विच थोनू ऑप्शन दित्तियां जाणगियां, रचित शब्द, मूल शब्द, धातु शब्द, तो तुसीं की है ए ते बी दोनों लाया ने, मूल शब्द ते धातु शब्द, जे एक आ गया तो एक लाया ना। ठीक है, इन्हां चीज़ों का ध्यान रखना तुसीं, ये हुण थोनू लग रहा होगा तो सौखा ही है कर लांगे, पर जदों तुसीं एक बारी पढ़ के ते इहनूं 10 दिन ना पढ़िया फिर तुसीं कन्फ्यूज़ होंगे कि इहदा 2 आंसर आना सी, 3 आना सी, 4 आना सी, तां नाल नाल तैयारी करदे रहो। अगला चलते हैं, अपन रचित शब्द किहड़े हुंदे आ, रचित दे वर्ड तो ही आपां नूं पता लग रहा कि रचित का मतलब की हुंदा, वह शब्द जिहड़े किसी होर शब्दों या भावांश की सहायता नाल मिलके या सहायता नाल बने होण उहनूं की कहिंदे आ, रचित शब्द। ठीक है, जिवें कहानी तो बनता कहानीकार, दुनिया तो बनता दुनियादार या दुनियादारी। ठीक है, योग तो बनता अयोग, ये जिहड़े शब्द है ये किहड़े शब्दों च आउंदे आ, रचित शब्दों के विच, जिहड़े किसी होर शब्दों नूं मिला के आपस दे विच बनाए जांदे आ। ठीक है, नैक्सट आपां हुण चलदे हां अगों रचित शब्द बारे। ठीक है, रचित शब्द जिहड़े किन्ने प्रकार दे हुंदे आ, वह होंगे 2 प्रकार के, मूल शब्दों की आपां गल तां नहीं कीती क्योंकि इको एक ही है, इन्हां ना तोड़िया जा सकता अगे, तो हुण रचित शब्द ये पूछा जाऊगा किन्ने प्रकार के हुंदे आ, 2 प्रकार के, किहड़े किहड़े,
समासी शब्द ते उत्पन्न शब्द। ये हुण कई बच्चों ने पढ़िया होना समासी शब्द, ठीक है, तो मिंट च अद्धे का जवाब भी सोचन लग गए होने कि ये वाला हुंदा है तां सौखा ही आंदा है सर करा रहे हैं। तो अज तुहानूं समासी शब्द का वह भाग करवाण वाला मैं जिहड़ा बहुत घट बच्चों ने पढ़िया होगा, तो इन्नी ज़्यादा डिटेल दे विच मैं लिखिया, ठीक है, तो ध्यान दिओ, बस मेरी मेहनत का मुल जरूर मोड़ दिओ ध्यान नाल सुन के। तो आप हुण पढ़ांगे समासी शब्दों बारे। पहला समासी शब्दों विच की अपने कोले समास शब्द है जिहड़ा उहदा मतलब हुंदा जोड़ना। यह पूछा जा सकता है कि समास का अर्थ की हुंदा जोड़ना, वह रचित शब्द जिहड़े दो या दो तो वध शब्दों के सुमेल नाल संबंधक या योजक लगा के बने होण उन्हां नूं की कहिंदे आ समासी शब्द। सुनी चलियो, जे स्क्रीन ते तुहानूं धुंधला वी विखे तां सुन लियो बस, ठीक है। इहदे विच की किहा आपां नूं कि समास का पहला शब्द की हुंदा जोड़ना, जदों जिहड़े रचित शब्द हुंदे आ, ठीक है, जिहड़े दो या दो तो वध शब्दों तो या जिन्हां दे विच योजक लग के बनाया होवे संबंधक लग के बनया होवे उन्हां नूं की कहिंदे आ समासी शब्द। अजिहे शब्दों नूं लिखण वेले संबंधक हटा के जोड़नी की वरतों की जाती है। देखो जे मान लो शब्द बनया कोई संबंधक नूं जोड़ के, ठीक है, जे मान लो शब्द दे विच दो शब्दों के संबंधक लग्या उन्हूं हटा दिता जाता तो उनकी जगह पर की लाया जाता जोड़नी, जिहड़ा माइनस का साइन थोनू मैं कहा कि इनू हल्के दे विच नहीं लैना, इनकी अगे थोनू वैल्यू पता लगेगी। देखो इन दे विच की है, अपने को संबंधक लगे हुए दो तो इन्हों हटाता पति या पत्नी, इनू हटा के की लाता जोड़नी, सेवा तो मुक्त इनू की लाता सेवा मुक्त। इन्हों का मीनिंग की है चेंज नहीं होया, पर यह की है वर्ड प्रोपर विच की लग गया संबंधक हटा के जोड़नी। ये पूछा जा सकता है कि समासी शब्दों विच संबंधक की जगह किंदी वरतों की जाती है, तो उत्थे आंसर आऊगा अपने कोले जोड़नी दी। इहो जे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है, ये थोनों एक बार लगन गए सौखे क्योंकि तुसी कर रहे हो। जिहड़े बच्चे ने जमा ही नहीं टॉपिक पढ़िया उन्हूं पुछो, वह कहूगा कि यह तो सिलेबस तो बाहर आ गया। नैक्सट अपने कोले पर अंगेतर या पिछेत्र की वरतों नाल बनन वाले कई शब्दों विच जोड़नी की वरतों नहीं की जा सकती। कई शब्द यहोजे होंगे कई, ठीक है, सारे नहीं, कई कुछ क प्रसेंट शब्द यहोजे होंगे जिन्हों अंगेतर पिछेत्र नाल बनाया तो जाता है पर की है उन्होंने जोड़नी की वरतों नहीं होंगी। एग्जाम्पल लिखिया हुई हैं, इन की है कम प्लस चोर, ये दोनों अंगेतर पिछेत्र ला के बने हैं, इन जोड़नी नहीं लगी, ठीक है, ये सीधा बन गया कम चोर। जिमें सेहत प्लस मंद सेहतमंद बन गया, पर आत्मा ये की बन गया परमात्मा, ठीक है। ये जिहड़े शब्द है इन्हां दे विच की है ये लगे तो गेतर पिछेत्र है उवें ही है पर इन्हां दे विच की है जोड़नी नहीं लगी। ये चीज़ां तुसीं ध्यान दे विच रखनियां, ठीक है। ये क्वेश्चन दे विच पुछिया जा सकता है कि इन्हां शब्दों दे विच जोड़नी की वरतों होगी कि नहीं। देखो जे मान लो पेपर दे विच तुहानूं मैं एग्जाम्पल ही दे दिंदा कि इत्थे वर्ड आ गया कम प्लस चोर, तो नीचे लिखा होगा कि इस शब्द विच जोड़नी की वरतों होगी या नहीं, तो उत्थे आंसर आ जूगा हाँ होगी, नहीं होगी, हो सकती है, नहीं भी, ठीक है, तो उत्थे आ जूगा कोई नहीं, तो इन दे विचों अपना आंसर की आऊगा नहीं, नहीं होगी, ठीक है। इहो जे क्वेश्चन पूछे जाणगे ध्यान च रखने हैं। नैक्सट अपना हैगा, देखो पहला थोनों मैं एक होर चीज़ दस दिना, स्क्रीन पर भलां दी मैं थोनों सारा टॉपिक शो करदा पर तुसी उंदे वाली एक करी ध्यान देना जिहड़ा मैं थोनों समझा रहा। जे तुसी सारे वाल चले गए फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, फिर तुसी कहोगे सर वधिया नहीं समझाया, एक बारी पांच मिनट वध लग जाण पर ध्यान नाल समझ के जायो। इहदे विच की है समासी विधि राहीं नवें शब्द बनाउण दे ढंग, ठीक है, ये ढंग जिहड़े याद करने आ तुसी, मैं इन्ने डीपली वे नाल सौखे वे नाल लिख के लिआंदे आ नाल एग्जाम्पलां भी हैगियां, तो ध्यान नाल पढ़ लिओ तुसी। इहदे विच की आ अपने कोले फस्ट ढंग किहड़ा समान अर्थक शब्दों के सुमेल तो जिहड़े बनते हैं, ठीक है, जिमें अजिहे शब्द जिहड़े समासी शब्द जिन्हां विच की है दोवें शब्दों विच इको अर्थ होण, ठीक है, उन्हां नूं की कहिंदे आ समान अर्थक शब्दों के सुमेल तो बने समासी शब्द। मैं दोबारा फिर दस दिना जिहड़े शब्दों विच, ठीक है, जिहड़े समासी शब्दों विच दो शब्द होणगे, ठीक है, जिवें आ दो शब्द सीगे कम चोर, जिवें पति ते पत्नी, ठीक है, उन्दे विच की है दोवां दा अर्थ की है सेम होगा, उन्हां नूं की कहिंदे आ समान अर्थक समासी शब्द। अगले एग्जाम्पल हैगियां, देखो इन्दे विच की है वैरी ते दुश्मन दोनों सेम है विच जोड़नी लग गई तो यह बन गया अपने कोले समान अर्थक समासी शब्द। उत्थे तुहानूं पेपर दे विच पुछिया जा सकदा है कि नीचे लिखे अक्षरां विचों हेठां लिखे शब्दों विचों समान अर्थक समासी शब्द नूं पहचानो, ठीक है, उत्थे तुहानूं दित्ते होणगे वक्रे वक्रे वर्ड तो उन्दे विच अपने कोल की आ जूगा जिहड़ियां दे सेम होए जिवें थां टिकाणा रोटी टुक, जिवें आ रोटी टुक आ गया तुसीं कहोगे ये तो बनता ही नहीं किसी हिसाब नाल, तो यह अपना की होगा राइट आंसर। जे तुसीं इहदे ते ना ला के आए तो थोड़ा रोंग हो जूगा,
ठीक है। ये अपना इनू की कहें समान अर्थक समासी शब्द जिंद दो वर्ड है जोड़े वो दोनों ही सेम मीनिंग रखते होन सेम अर्थों वाले होन। क्लीयर हो गया फस्ट पॉइंट अपन फस्ट ढंग ठीक है। नैक्सट चलते अपन विरोधार्थक शब्द के सुमेल तो समासी शब्द जोड़े बनते हैं। विरोध अर्थक शब्दों के होंगे कि जोड़े समासी शब्द होंगे है उन्होंने दोवह शब्दों का की होंगे विरोध होंगे ठीक है। उन्होंने की कहें विरोधार्थक शब्द जहाँ कह दें विरोधार्थक समासी शब्द उत्थे लिखा सकता इन पहचान करो कि विरोधार्थक समासी शब्द है तो इन की आऊगा अपने को जिमें सच झूठ खुशी गमी तेरा मेरा तो की बन जू तेर मेर ठीक है। इन्हों जे संबंधक लगे इन्हों कट के की लग जूगा जोड़नी वेरी गुड क्लीयर हो रहा होगा सारे तो इन की आजगा सच और झूठ ये अपने को गया विरोधी शब्द या विरोधी समासी शब्द क्लीयर हो रहा सारियां नूं। जे समान वाले है उन्होंने दोवां वर्डां दे जिहड़े मीनिंग है अर्थ है वह समान होणगे विरोध वाले दे विच मीनिंग है जिहड़े एक दूजे के उल्ट पुल्ट होणगे जिवें सच दा झूठ बन गया उहनूं जोड़ता वह बन जूगा जिहड़ा विरोधी समासी शब्द ठीक है। नैक्सट चलते हैं आपां भिन्न भिन्न अर्थां वाले हुण आपां गल करांगे भिन्न भिन्न अर्थां वाले अजिहे समासी शब्द जिन्हां विचले जिहड़े दो शब्द हुंदे आ उहनां दे अर्थ हुंदे आ भिन्न भिन्न किवें देखो चार ते पंज जेठ हाड़ अंग संग ये बन के वर्ड एक मीनिंग तो बना देंगे जिमें आप कहें तू अंग संघ तुरै फिर ठीक है या वो अंग संघ तुरै फिर जी मैं पूछ लें कि सारा क्लास किन्ने बजे होगी मैं अगों कह दिना चार पाँच बजे होगी देखो उनका मीनिंग बन रहा पर है जेडे भिन्न भिन्न अर्थ है दोवे के ठीक है। जिमें चार ते पंज इन्हों का अर्थ भिन्न भिन्न है जिहड़ा कह लो जेठ हाड़ इन्हों का भी महीनों का भी वक्रा वक्रा जिहड़ा अंग संघ कह लो इन्हों का भी वक्रा वक्रा मिलता नहीं मतलब ठीक है। उन्होंने कहिंदे आ भिन्न भिन्न अर्थों वाले समासी शब्द जिवें तुहानू क्वेश्चन पाऊंगा मैं एमसीक्यू दे विच कि इन्हें विचों भिन्न भिन्न अर्थों वाला समासी शब्द पहचानो तो उन्हें विच दिता होगा ठीक है। ये ना सोचो कि इन्हों तिना विचों ही आऊगा मेरे को घट्टो घट नहीं तो ज़्यादा नहीं तो बनाए हुए मेरे 100 वर्ड है ठीक है। तो ये हरेक दे कल्ले दे नहीं हरेक ढंग दे घट्टो घट ज़्यादा नहीं तो मेरे को 50 तो लैके 100 तक दे वर्ड हैगे आ तो जिन्हां दे विच मैं किते भी कन्फ्यूज़ कर सकदा थोनू एमसीक्यू बहुत वधिया दवांगे टेंशन ना लो। अपने तीन ढंग हो गए हुण याद रखियो फोर्थ आ गया अपने को सार्थक ते निरार्थक शब्दों के सुमेल तो एक होगा सार्थक होगा ठीक है मतलब जिंदा कोई मीनिंग निकला होगा निरार्थक होगा जिंदा मीनिंग ना निकलता होगा पर दोवां दा मेल होगा किन्दे नाल जोड़नी नाल या संबंधक नाल तो उन्होंने आप की कहांगे सार्थक ते निरार्थक समासी शब्द। देखो इन्दे विच भी लिखा होया मैं अजिहे समासी शब्द जिन्हां विच एक शब्द सार्थक होगा तो दूसरा निरार्थक पर वरतों विच दोवें ही आउणगे ठीक है मतलब दोवें वरते जाएंगे ये नहीं कि अलग अलग वरते जाएंगे जे कल्ला कल्ला हो गया फिर वो की है समासी शब्द नहीं बनूगा। जिवें एग्जाम्पल कह दें मैं यदा गोल मटोल जा उन्हों का मुंडा गोल मटोल उन्हों की कुड़ी गोल मटोल जी है कह दें मेज मूज ठीक है। उन्हें जो कह दें चाह पी लो अपने अर्गा कह देना जाके मेज मूज तो ले आओ फिर ही आप चाह पीवे जिमें कहने चाह चू पीनी है ठीक है। जिमें हाकी हुकी उमें की है एक जिमें चाह अपना सार्थक शब्द हो गया चू अपना हो गया कि हो गया निरार्थक शब्द उन्होंने आप जो आप बोल दें चाह चू ठीक है वह अपने को बन जूगा आप समासी शब्द की वरतों कर रहे हैं उत्थे क्लीयर हो रहा सारे ता ही मैं थोड़ा कहा कि ना सोचो कि सौखा टॉपिक है सर तो अवे टाइम पास करी जाने नहीं थोड़ा मैं इन्ना डिटेल दे विच कराऊंगा कि वाकई थोड़ा लगेगा कि पंजाबी भी जी बड़ा वधिया सबजैक्ट है तो इंट्रस्टिंग सबजैक्ट है। नैक्सट वाकंशा के आधार पर वाकंश कि होंगे है जोड़े दो या दो तो वध शब्दों तो बने होन सॉरी तो उन्हें की है उन्होंने जोड़ा संबंध हों पर विचार नहीं प्रगट कर पाते जिमें आसमान की बिजली ठीक है इनू आप लिख सकते हैं आसमानी बिजली क्लीयर है सारे बच्चों इन्दे विच की है अख नाल मटका तो इनू किवें लिख सकते हैं इनू लिख सकते हैं अख मटका इन्दे विच की है हड्डा नाल बीती हड्ड बीती इन्दे विच थोनू पूछा जा सकता है कि हेठां लिखिया विचों वाकंश समास शब्द नू पहचानो ठीक है। इन्दे विच सब तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे तुसी देखो किवें जिमें वाकांश अपने को लगा सी आसमान की बिजली उनका की बन गया आसमानी बिजली। नैक्सट देखो अपने को की है ये पूछा जा सकता है कि जे अपने को आ गया उत्ते हड्ड बीती ठीक है हड्ड बीती तो इन्दे विचों दसंगे थोनू कि समासी ढंग नाल संबंध रखता
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਦੁਹਰਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਦੁਹਰਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਖ ਵੱਖ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ, ਕਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਜੋੜਨੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਾਸੀ ਵਰਡ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦੁਹਰਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਅਤੇ ਕੁਝ, ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਦੁਹਰਾਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਨ, ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੋਪਿਕ ਡੀਪਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜੋ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਤਸਮ ਵਰਡ ਅਤੇ ਤਤਭਵ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਲੇ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਕੁਛ ਕੁ ਵਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ, ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਏ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਏ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ? ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਏ ਹਟਾਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੀ ਲਾਂ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੀਨਿੰਗ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਲਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ। ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਤਰ, ਵਧੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅੰਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ, ਮਤਲਬ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮਨਪਸੰਦ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਗੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਫਿਰ ਮੂਲ, ਸੋਰੀ ਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਅੰਗੇਤਰ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੰਗੇਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਨਪਸੰਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਤਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਪਿਛੇਤਰ। ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਟਕ। ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਾਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨਾਟਕ ਪਲੱਸ ਕਾਰ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਟਕਕਾਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਡੀਪਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੰਝ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਿੱਤਰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅੰਗੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਹੋਇਆ ਉਨਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ,
समानार्थक, ठीक है, समासी शब्द, विरोधार्थक समासी शब्द। नैक्सट अपने को भिन्न भिन्न अर्थों वाले समासी शब्द। फोर्थ अपने को सार्थक के निरार्थक समासी शब्द। नैक्सट है वाकंशा के आधार पर समासी शब्द या वाकांश समासी शब्द। नैक्सट अपने को दोहरावे शब्दों के समासी शब्द। तो सैवंथ अपने को लास्ट वाला जो उर्दू फारसा भाषा के समासी शब्द। तो जे भी पूछा जाए कि समासी शब्दों मुख किन्ने ढंगा नाल वरत्या जाता है तो अपने को किन्ना आऊगा, सत्त, जिहड़े थोनू मैं करा दिते। इदू बाद कह लो कि जे क्वेश्चन बनया तो इदू बाहर बन के नहीं आऊगा, ये चीज़ ध्यान दे विच रखियो। समझ लो थोड़ा एक या दो नंबर पक्के हो गए जे ध्यान दोगे। तो तुसीं थोनू हुण दसो किवें लग्या अज दा अपना जिहड़ा लैक्चर सी। तो हुण 30 MCQ आपां करांगे इसे चैप्टर जिहड़ा रिलेटिड। तो तैयार रहो बहुत वधिया ढंग दे, सौखे भी तो कुछ औखे भी लैके आऊँगा ता जो थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। तो तुसी कदे भुलो ना कि किवें दे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोनू ये भी पता है कि मैं पूरी कोशिश करदा कि थोनू इन्ने वधिया क्वेश्चन बना के देवां कि थोड़ा नाल नाल जी भी लग्या रहे, तो थोनू आंसर देने दे विच भी मज़ा आवे, एंटरटेनमेंट भी नाल नाल चलती रहे थोड़ी। तो ये अज का अपना टॉपिक, हायरी जरूर लवा जो जो पसंद आया हो। छोटा सी पर वैल्यूएबल टॉपिक सीगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने वास्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सानू प्यार ते सपोर्ट करने वास्ते हमेशा ही।